आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल है यहाँ पे हमारा, स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू, यानी कि जो हमारा स्टोमेटा होता है किसके अंदर, हमारे प्लांट के अंदर, वो कैसे ओपन होता है, उसी के बारे में बात करनी है। बात करता हूँ स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? ये हमारा होता है पोर, जो कि मदद करता है किसके अंदर, हमारे ट्रांसपिरेशन के अंदर मदद करता है, साथ ही साथ जो हमारी एयर है उसको डिफ्यूज करने के अंदर भी मदद करता है। ये हो गया हमारा गैसियस डिफ्यूजन। तो ये हमारा एक पोर है जो बाहर के एनवायरनमेंट को हमारे टच में लाता है, किसके साथ, हमारे प्लांट के लीव्स के साथ। ये तो मेरी बात हो गई स्टोमेटा के बारे में। जो स्टोमेटा होता है जनरली देखा गया है वो हमारे लीव्स के बिलो साइड पे पाया जाता है, कई स्पीशीज के अंदर ऊपर साइड पे भी पाया जाता है, लेकिन जनरली हमारे नीचे वाली साइड पे ही देखने को मिलता है। अब कह रहा है जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा है। जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होते हैं और कई बार ओपन हो जाते हैं। जब ओपन होते हैं तो वो वाटर वेपर्स को बाहर रिलीज करते हैं और CO2 को अंदर ले लेते हैं। ये तो मेरी बात हो गई किसकी, ओपन स्टेट की। क्लोज के अंदर वो बंद हैं, तो ना ही कोई वो H2O या वाटर वेपर बाहर दे रहे हैं, ना ही कोई गैसेस को डिफ्यूज कर रहे हैं अपने अंदर। ये तो मेरी बात होगी स्टोमेटा की। अब हमें यही बताना है जो इसकी ओपन वाली कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है आखिरकार वो किसकी वजह से होती है। मैं आपको दोनों कंडीशन समझा देता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक इमेज दिखाना चाहूँगा जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आखिरकार क्या प्रोसेस चलता है। तो ये हमारी इमेज है किसकी, हमारे एक स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वो कुछ उस प्रकार से उसका शेप होती है। ये तो हमारे सेल्स होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ये हमारा स्टोमेटा होता है। आप साइड में इमेज में भी देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का हमारा स्टोमेटा है। तो होता क्या है, ये जो हमारे बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की। और जो बीच में होता है ये होता है हमारा मेन पोर, जहाँ से गैसेज डिफ्यूज होती हैं। तो मुझे बात यहाँ पे करनी है गार्ड सेल के बारे में, इनका काफ़ी ज़्यादा मेन रोल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टोमेटा ओपन, यानी कि जो हमारा स्टोमा है वो ओपन है। स्टोमा हमारी बीच वाली कैटेगरी, ये होल होता है, इसको हम स्टोमा बोलते हैं। तो स्टोमा यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे हमारा क्लोज है। तो दोनों कैटेगरी की मैं बात करूँ, होता क्या है, यहाँ पे हमारे दो मेन रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं हमारे H2O और साथ ही साथ हमारे पोटेशियम के जो आयन्स होते हैं, इन दो का मेन रोल रहता है हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए। होता क्या है, जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो जो हमारा K+ आयन है वो अंदर होते हैं। जी, गार्ड सेल के अंदर हमारे K+ आयन्स होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम हो जाता है, पानी इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, K+ के साथ, इसलिए वहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो हो गया कम। तो होता क्या है, जो बाहर हमारे सब्सिडरी सेल्स होते हैं, यहाँ से हमारा पानी कहाँ जा रहा है, गार्ड सेल्स के अंदर। आप देख सकते हैं एरो अंदर की तरफ है, यानी कि पानी अंदर जा रहा है। जैसे ही हमारा पानी अंदर जाता है जो गार्ड सेल हैं वो बन जाते हैं टर्जिड। टर्जिड मतलब स्वॉलन हो जाते हैं, और कम्प्लीटली टर्जिड होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा पोर है वो ओपन हो जाता है। ये तो मेरी बात होगी ओपनिंग की। जैसे ही हमारा जो पानी है बाहर निकलता है और हमारा जो इफ्लक्स हो जाता है, किसका इफ्लक्स हो जाता है, हमारे पोटेशियम आयन का इफ्लक्स जब होता है, तो हमारा जो पानी है बाहर जाके उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तो पानी हमारा बाहर चला जाता है गार्ड सेल से। जैसे ही वो गार्ड सेल से बाहर जाता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि वो हो जाते हैं दोबारा से श्रिंक हो जाते हैं। स्वॉलन थे पहले, अब वो हो जाते हैं श्रिंक हमारे। तो जो श्रिंक हो जाते हैं तब हो जाता है हमारा स्टोमेटा क्लोज। तो इस प्रकार से हमारी क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है किसकी वजह से, पोटेशियम और H2O की वजह से। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, तो देख लेता हूँ जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम आयन, वो तो गलत ही हो गया, क्योंकि कैल्शियम आयन तो रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है। साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वाटर होता है, और मेन आयन होता है वो होता है पोटेशियम आयन। और हमारा कौन से ओपनिंग के लिए, ओपनिंग के लिए क्या होता है, हमारे पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स, या तो इनफ्लक्स होता है हमारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जैसे ही हमारे पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं गार्ड सेल्स के, हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।